हेलो दोस्तों, एक व्यूअर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिनी स्टेटमेंट आप मोबाइल में कैसे देख सकता है। ऐसे तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिनी स्टेटमेंट मैसेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है आप मोबाइल बैंकिंग से देख सकते हैं। काफी लोगों को ये चीज पता है, काफी लोगों को नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग का यूज करके मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना मोबाइल का स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है सेंट मोबाइल ऐप, उसे ओपन कर लीजिए और आगे का कार्रवाई दिखाते हैं। दोस्तों, इसके लिए पहले आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो को देख के रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल का स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे सेंट्रल मोबाइल ऐप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप को हम ओपन कर लेंगे। और आपने अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप में अभी तक रजिस्टर नहीं किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नीचे, रजिस्टर हियर। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। चूंकि मैं एक रजिस्टर्ड यूजर हूँ, इसलिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन हो लेता हूँ। अपना मोबाइल बैंकिंग में मैं लॉगिन हो चुका हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। हमें देखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट। पिछले पास स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देगा, पास ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये अकाउंट वाला सेक्शन है तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उनका बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपके पास अगर दूसरा अकाउंट भी इनके साथ लिंक है तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी हम जो अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको पिछले पास ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा और साथ में आपका बैलेंस भी आपको पता चल गया। और इसी प्रकार से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उससे आपका लास्ट पास ट्रांजेक्शन जान सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट जान सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे, कैसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिनी स्टेटमेंट मोबाइल में देख सकते हैं ये पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।